क्योंकि मैं जानती हूँ तू करण है। मेरा मतलब है कि करण जैसा है। तुम दोनों की हरकतें एक जैसी है। लेकिन इरादा गलत नहीं है। राखी माँ चलिए। नहीं, राखी माँ आप ऐसे क्यों बात करें? जिस इंसान को इतना नहीं पता कि किसके सामने क्या करना है वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान होता है। कब क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं है। उससे दूर रहना चाहिए। चलिए प्लीज। अम्मा, तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। दर, मुझे तो लगा था कि तुम कुछ अच्छा करने वाले हो, करण का कोई ऐसा राज बताने वाले हो जिसके बारे में हम सबको कुछ भी नहीं पता। लेकिन तो सब कुछ वही बताया जो हमें पता है और जो हमें दुखी करता है। क्यों किया ऐसा? जो भी किया तुमने बहुत गलत किया। तुमने आज जो कुछ भी दिखाया ये हमारी सबसे बुरी यादें थी। अरे हमारे तो जख्म भी नहीं भरे अभी तक और तुमने उन्हें फिर से कुरेद दिया। गाइस, आप लोगों को पता है ये जो पार्टी कम एग्जीबिशन रखी है मैंने, आप लोगों को पता है किसकी याद में रखी है? दी करण लूथरा, करण के लिए। सो करण की जिंदगी में क्या क्या हुआ था आपको याद है राइट? यस। तो मैंने आप लोगों को जो भी यादें याद दिलाई हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? नो नो बिल्कुल नहीं। देखा, मैंने इन सबको यही याद दिलाया है जो इनको ऑलरेडी याद है। कोर्ट आपकी नजर में है, आप लोगों का नजरिया गलत था। आप लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला, इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, एक बात बुरी जरूर हुई है, वो ये कि मैंने करण की कुछ ऐसी यादें दिखाई सबको जो आप लोगों को खटक रही है। बट आई एम सॉरी टू से, करण की जिंदगी में कुछ बुरी चीजें भी हुई थी और अच्छी चीजें भी हुई थी। मैं वो भी दिखाना चाहता था, जैसे कि उसकी डांस, पार्टीज, रोमांस। लेकिन अगर आप लोगों को यही सब देखना था तो आप फिल्मों में जाके देख लीजिए, ये सब ड्रामे बहुत होते हैं वहां पर। और वहां पर जो होता है वो सिर्फ झूठ दिखाया जाता है, वो नकली होता है। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो असली था। सच था। और सच है, सच कड़वा होता है। ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया? ये पार्टी करण लूथरा की याद में है ना, म्यूजिक बंद नहीं होना चाहिए। प्लीज स्विच ऑन द म्यूजिक। क्या बात है, सब रुके क्यों यहां पर? ऋषभ, एग्जीबिशन पार्टी ऐसी ही होती है, प्लीज डोंट लीव। और जब तक पार्टी चल रही है यू शुड बी हियर। ऋषभ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। और आज के प्ले में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को गलत लगे, तो आप लोगों को इतना गलत क्यों लगा? And you know, अर्जुन थोड़ा सा सनकी टाइप का है और ये तो हम सभी जानते हैं। और उसने कुछ गलत नहीं किया। And the play was excellent. हम सब देखना चाहते थे। एंड तक तो पता ही नहीं चला कि प्ले कब एंड हो गया। और हम सबको स्पेशल इनवाइट्स मिले थे, आफ्टर ऑल हम करण के फैंस जो है। और हम सबसे पूछा भी गया था कि हम प्ले में क्या देखना चाहते हैं, करण की जिंदगी या करण की क्रिकेट लाइफ। करण की क्रिकेट लाइफ तो हमने ए टू जेड देखी है, लेकिन हमें करण की जिंदगी देखनी थी, वो भी ए टू जेड। आई नो,
आपके लिए ये सब देखना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन इस प्ले को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे हम अपने करण से फिर से मिल पा रहे हैं। एंड थैंक्स टू अर्जुन सर, सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं अपने फेवरेट करण रूथरा से फिर से मिल पाई, उनकी यादों के जरिए। वो कहते हैं ना, इंसान तो चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं। पुत्र एक बात कहो, मानेगा? मतलब आप इस पार्टी में रुक रही हैं? मेरा मतलब है, ऋषभ और प्रीता तो पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं ना यहाँ से। एक बात बता, तुझ में इतना गुस्सा क्यों है? कोई नहीं जा रहा है इस पार्टी से, हम सब रुक रहे हैं। दरअसल बात यह है कि छोटी सी गर्लफ्रेंड नहीं हो गई थी, हमें लगा था ये जो स्किट परफॉर्मेंस हुई थी वो हमें इंसल्ट करने के लिए हुई थी, लेकिन अब बात समझ में आ गई कि तूने जो कुछ भी किया करण के फैंस के लिए किया, क्योंकि वो ये सब देखना चाहते थे इसलिए, और तूने ये हमें अच्छे से समझा भी दिया। और अब हम में से कोई भी घर नहीं जा रहा, यही है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी। अर्जुन, पुत्र मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू जा रहा है, मेरी तरफ देख, देखना। अर्जुन, सॉरी। क्या हुआ बेटा, लगी तूने? क्या हुआ इसे? कुछ बात समझ में नहीं आई। अर्जुन, अर्जुन, वो लोग रुक रहे हैं। क्या हुआ? मारी आंखों में आंसू। मां ने मेरे गालों पे हाथ लगाया, मेरे तो आंसू ही निकल गए। किस्मत कहूं या इत्तफाक, डैड ने मुझे गलती से हग कर लिया। मन कर रहा था बस वक्त वहीं थम जाए, मन कर रहा था कि बस उन्हें हग करके खड़ा रहूं, लेकिन वक्त किसी के लिए कहां रुकता है, और वो भी क्यों रुकते हैं? और अगर मैं उनसे अलग नहीं होता तो उन्हें ऐसा लगता कि मैं इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा हूं। किस्मत का खेल देखो ना अंजलि, आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन मेरे मॉम डैड को छोड़ के हर कोई मुझसे नफरत करता है। ये सब ऋषभ और प्रीता की वजह से। आज मेरी फैमिली मेरे पास होके भी मेरे पास नहीं है। प्रीता ने मुझे कितना कितना अकेला कर दिया। इस जैसी लड़की नहीं देखी आज तक मैंने। सो मिसेस करण लूथरा, सॉरी मिसेस ऋषभ लूथरा, शैल वी डांस? देखो, करण की यादों के लिए एक डांस तो बनता है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए ऐसी नफरत दिखती रही ना लोगों को, तो तुम्हारी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुमसे खफा हो जाएंगे,
ऊपर से वो ये सोचेंगे कि अर्जुन सूर्यवंशी ने जो इतनी बड़ी पार्टी रखी है करण की यादों को ताजा करने के लिए, तुम उसके इस कदम को अप्रिशिएट भी नहीं कर रही हो, इनफैक्ट उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, एंड एज अ होस्ट मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो जो तुम्हारी इमेज थोड़ी बहुत जो स्पॉइल हुई भी है ना, वो भी ठीक हो जाएगी, और जब लोग यहां से जाएंगे तो करण की अच्छी यादें लेकर जाएंगे और तुम्हें हजार सवाल भी नहीं पूछेंगे। सो व्हाट डू यू से, शैल वी डांस? करण के फैंस के लिए, करण की यादों के लिए, करण के लिए, जो यहां होके भी नहीं है और ना होके भी है। भाभी सिर्फ एक डांस ही तो है ना, कर लीजिए। सीता पोस्ट है पार्टी का, अब कह रहा है तो एक डांस करने में क्या हर्ज है? कर ले पुत्र, करण के फैंस के लिए कर ले। Let's dance. ये अर्जुन प्रीता के पीछे इतना क्यों पड़ा है? उसे अच्छी लगने लगी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे करण की मौत कैसे हुई थी? मैंने तो पेपरों में पढ़ा था कि उसकी मौत क्लिफ से गिर के हुई थी, पर वो सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। तुम ही सच बता सकती हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, किस तरह के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? मैं किस तरह का सवाल कर रहा हूँ? चलो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं। तुम मुझे बताओ कि करण ने तुम्हारे साथ बैट पकड़ के कभी इस तरीके से डांस किया था? क्या हुआ? इतने तो लग गई क्या? उठो उठो उठो।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी? इससे पूछे कि क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ? मैं तो सिर्फ करण के बारे में बातें कर रहा था। रियली? बेशरम कहीं के ये इंसान, पहली बात तो मेरे साथ वियर्ड तरीके से डांस कर रहा था। और दूसरी बात, मेरे और करण को लेकर ऐसे पर्सनल सवाल कर रहा जो तीसरा इंसान पूछ नहीं सकता है। क्या ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रीता जी के साथ ये सुलूक करने की? तुम कितने भी बड़े आदमी होगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम छोड़े वंशी फटेरिया। वॉर्न कर रहा हूं मैं तुमको, वॉर्न, अपनी हद में रहना, वरना अगर मैं अपनी हद भूल गया ना, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मुझे मेरी हद अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरी हद थोड़ी ज्यादा होनी। शट अप। मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने ये एग्जीबिशन ये सब क्यों रखी है, ये डांस, ये पार्टी, क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? हम लोगों को जलील करने के लिए, मेरे भाई को नीचा दिखाने के लिए, मेरे भाई की बेइज्जती करने के लिए, तुम्हारे जख्मों को कुरेदने के लिए? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जो एग्जीबिशन से सामान लेकर आए हो ना, लायक नहीं हो तुम उसके। मेरे बस में होता ना, अभी के अभी तुमसे वो वापस छीन लेता। हाथ नहीं लगाने देता। मेरे भाई का है वो, और लायक नहीं हो तुम उसको देख भी सको। प्रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है। गलत नहीं, बहुत गलत, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वरना मेरी बहू कभी तुम पे हाथ नहीं उठाती। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, जो मैं तुम्हें अपना बेटा समझने लगी थी। तुम मेरे करण नहीं हो सकते, तुम तो बहुत बुरे हो, सबसे अलग, इस दुनिया से अलग। आज जो तुमने हरकत की है ना, मेरी नजरों से गिर चुके हो जी। मिस्टर सूर्यवंशी, आप इस इल्जाम मिस्टर ऋषभ ने लगाए हैं, क्या वो सही है? क्या पर्पस लिए आप उन्हें पर्सनल सवाल कर रहे हैं? क्या सही में आप उनको परेशान कर रहे हैं? बताइए सर। आप लोग प्लीज अभी यहाँ से जाइए। नहीं नहीं, आप अभी प्लीज जाइए। सर, आपको कुछ बोलने नहीं पड़े। सर, मैं प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज काम डाउन अर्जुन, काबू रखो अपने आप पे। काबू रखूं मैं अपने आप पे? काबू रखूं मैं तो प्रीता क्यों नहीं रख पाई अपने आप पे काबू? हाँ, कि वो इतनी इरिटेट हो गई कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे अर्जुन सूर्यवंशी को थप्पड़ मारा। माइंड यू, वो थप्पड़ नहीं,
उसका सच सबके सामने बाहर आ गया और उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने उसका सच सबके सामने ला के रख दिया, उसका असली चेहरा सबके सामने ला के रख दिया। कहां दे पा रही थी मेरे सवालों का जवाब ये? हाँ, यही तो असली थप्पड़ था उसके मुंह पर जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया। अर्जुन प्लीज काम डाउन, अर्जुन प्लीज। रीता को तो पता भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या क्या खेल खेले, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने, मुझे आधा अधूरा छोड़ दिया, मुझसे मेरा मैं छीन दिया। मेरा इतना खून खोल रहा है ना अंजलि कि मेरे खून के कतरे कतरे से आवाज आ रही है कि जब तक मैं प्रीता से मुंह तोड़ जवाब नहीं देता था ना, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा।